गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज का दिन काफ़ी स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि मैं लेने के लिए जा रही हूँ अपना न्यू ब्लॉगिंग के लिए एक फ़ोन जो कि अभी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा चल भी रहा है। कौन सा फ़ोन है ये तो आपको आगे बताऊंगी। और अभी तो मैं हूँ देखिए अपने साइकिल पर और पीछे है आदित्य। तो हम दोनों अभी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो भी आपको आगे वीडियो में देखते रहिए, पता चल जाएगा कहाँ से लेने वाले हैं, कितने का फ़ोन होने वाला है। तो लेट्स गो। दोस्तों हम लोग को ज़्यादा आते लग गई है थोड़ी सी भूख, तो इसलिए हम लोग रुके हैं यहाँ पर खाने के लिए डोसा। ये हमारा बन रहा है डोसा, काफ़ी क्रिस्पी एंड हम लोगों ने ऐसे मसाला डोसा ऑर्डर किया है यहाँ पर। ये रहा हमारा मसाला डोसा, सांभर एंड चटनी और थोड़ा सा प्याज। मेरा खाना कंप्लीट हो चुका है, आदित्य अभी तक खा ही रहा है। एक्स्ट्रा सांभर एक्स्ट्रा चटनी ले लेकर, ये देखिए अभी भी इसकी प्लेट सांभर चटनी से भरी पड़ी है। ये देखिए कितनी जैम है, हम लोग अभी साइड से चला रहे हैं, सारे लोग रोड पर है। साइकिल होने का यही फायदा है कि आप साइड से निकाल सकते हो साइकिल्स, या फिर टू व्हीलर्स का यही फायदा यार। अभी हम लोग फंस गए हैं जैम में, जैम अब खुल रही है। हम लोगों ने अपने साइकिल को यहाँ पर स्टैंड में पार्क कर दिया है और मेरे पीछे ये रहा हरिओम टावर जहाँ हम लोग अभी जाने वाले हैं। ऐसे यहाँ पर तो हम लोग डेली ही आते थे क्योंकि हमारा ट्यूशन भी यहीं पर था, बट चलिए काफ़ी दिनों के बाद चलते हैं वापस से हरिओम टावर, बट इधर पढ़ने के लिए नहीं, फ़ोन खरीदने के लिए। अभी हम लोग आ चुके हैं फर्स्ट स्टॉप में, जस्ट सीढ़ी चढ़ते के साथ। यदि आप इस साइड से सीढ़ी चढ़ते हो तो आपको फर्स्ट स्टॉप जो मिलेगा मोबाइल वाले नाम से। लोगों ने पूछा कि मोबाइल अवेलेबल है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि हाँ मोबाइल अवेलेबल है। तो अभी वेट करते हैं कि मोबाइल आए और उसके बाद हम लोग आपको दिखाएं। अनबॉक्सिंग तो इसकी खैर यही हो जाएगी क्योंकि हम लोग ऑनलाइन परचेज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली ले रहे हैं। पर रखे हैं कुछ कुछ डमी फोन MI 10T Pro का, इसका कैमरा देखिए आप 108 मेगापिक्सल का। ये रहा वो बॉक्स जैसे कि हम लोग लेने वाले हैं, लेकिन बिकॉज ये है मिडनाइट जैज यानी कि ये वाला कलर, सो दैट्स व्हाई हम लोग इसे लेने वाले हैं। आ गया हमारा फोन और इसकी यही हो रही है अनबॉक्सिंग। ये देखिए इसका लुक, काफी प्यारा सा लुक है इसका। बॉक्स के अंदर है गारंटी वारंटी कार्ड एंड व्हाइट कलर का केस। इसमें मिला है छुटकू ईयरफोन भी, काफी टाइम बाद किसी फोन में ईयरफोन मिला है हमें। और ये वाला ईयरफोन लगाने के लिए टाइप सी कनेक्टर और साथ ही यहाँ पर वीवो फ्लैश चार्ज 2.0 33 वॉट चार्जर। तो गाइस ये रहा हमारा फोन, कलर आप देख सकते हो काफी प्रिटी कलर है इसका। और आगे का यदि लुक देखें तो ये देखिए आगे में है दो सेल्फी कैमरा और साथ ही साथ पूरा चमचमाता हुआ नया फोन। तो इसको सबसे पहले देते हैं आदित्य के हाथ में क्योंकि यही है हमारा टेक यूट्यूबर। मिस्टर टेक यूट्यूबर हमें बताएंगे कि इनको कैसी फीलिंग आ रही है हाथ में न्यू फोन लेकर। वाओ
फोन में लग चुका है केस, और साथ ही साथ इसमें हम लोगों ने अपना जियो वाला सिम भी कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पर हो रही है हमारे फोन की बिलिंग। इसका प्राइस वही सेम है जो कि ऑनलाइन है, बिकॉज ये ऑफलाइन मार्केट में भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो गाइस अभी जो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो ये हो रहा है वीवो V20 प्रो से, यानी कि मेरे न्यू फोन से, जिसका की फ्रंट कैमरा है 44 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा भी इसमें। आगे आप लोग को बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलने वाली है इसी फोन से। अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से बाहर, और अभी भी जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो V20 प्रो से ही हो रही है। क्वालिटी में आपको क्या क्या चेंज पता चला पहले के वीडियो से, मतलब मेरे रियलमी वाले से और ये वाले से, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। हम लोग मोबाइल वाले के सेकंड शॉप में हैं। ऐसे इनका यहाँ पे 2-3 शॉप है पूरे हरिओम टावर में, आई गेस, या फिर हो सकता है उससे भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग टेम्पर्ड ग्लास लगवा रहे हैं, और अभी जो अब शूट हो रहा है ये नॉर्मल कैमरा शूट हो रहा है। अभी चलिए इसको वाइड करके चेक करते हैं। ये देखिए सेम प्लेस से कितना ज्यादा वाइड हो चुका है ये, तो आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा क्या खूबी है इसकी। अभी लग रहा है हमारे पुराने फोन में टेम्पर्ड ग्लास। ये आदित्य का फोन Vivo V5, आज से 4 साल पुराना, और ये मेरा फोन जिसे कि अभी तक मैं रिकॉर्ड कर रही थी, Realme 3 Pro। गाइस हम लोगों ने फोन वगैरह ले लिया, ये देखिए, और एक खाली पॉली भी ले लिया ताकि उसमें अपना गोरिल्ला पॉड रख करके आराम से साइकिल में टांग सकूं। साइकिल यहाँ से अभी ले रहे हैं ताकि आगे जा सकें। मुझे आगे भी कुछ कुछ सामान लेना है, क्या लेने वाली वो भी आप देख ही लेना। फाइनली मैं आ चुकी हूँ घर, और मैंने रास्ते में ये देखिए एक बैग भी लिया है जो कि काफ़ी प्रिटी सा है, एंड ये मुझे काफ़ी हेल्प करने वाला है आगे आने वाले ब्लॉग्स में। अभी आगे आने वाले ब्लॉग्स काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि आपने देख ही लिया कि फ़ोन मैंने कौन सा लिया है, Vivo V20 Pro, जो कि अपने कैमरे के लिए फेमस है। उसका सेल्फी कैमरा वाकई बहुत ही कमाल का है। बट आप लोग सोच रहे होंगे कि यार जब मैंने लगभग 30,000 रुपये खर्च कर ही दिए थे तो फिर मैंने OnePlus Nord क्यों नहीं लिया। तो उसका सबसे सिंपल जवाब मैं आपको बस यही देना चाहूंगी, क्योंकि बेसिकली मुझे फ़ोन चाहिए था ब्लॉगिंग के लिए, और ब्लॉगिंग में सेल्फी कैमरा सबसे मायने रखता है। Vivo V20 में 44+8 था, बट OnePlus Nord में 32+8 दिया जा रहा था। साथ ही साथ Vivo ने अपने एक नई टेक्नोलॉजी को भी इस फोन के साथ लॉन्च किया, जो कि है ऑटो आई फोकस का, जिसके थ्रू मैं हमेशा फोकस में रहूंगी, बट OnePlus में मुझे ये चीजें नहीं मिलती। बट हाँ, OnePlus वाकई बहुत अच्छा फोन है। यदि Vivo जब तक नहीं था तब तक मुझे OnePlus ही ज्यादा पसंद था, बट जब Vivo V20 आया तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई, समझ नहीं आ रहा था कौन सा फोन लूं। 5-6 दिन तक तो मैंने इतना रिसर्च किया कि क्या कहूं। फाइनली मुझे लगा कि नहीं, वो परफेक्ट फोन है, क्योंकि बेसिकली मैं कैमरे के लिए ले रही हूँ और व्लॉगिंग उसी से करती हूँ। तो यस, Vivo V20 बहुत अच्छा लगा। बट आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग यदि लेना चाहो तो कौन सा फोन लोगे, Vivo V20 लोगे या फिर OnePlus Nord 30,000 के रेंज में। गाइस आपको यदि कैमरा टेस्टिंग वाली वीडियो देखनी है Vivo V20 Pro की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और जितने भी व्लॉग्स आगे आएंगे तो अब उसी फोन से आएंगे। बहुत हो चुका Realme 3 Pro से, इससे पहले मैं शूट कर रही थी वीडियोस उसी से, अभी भी शूट कर रही, तो दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगा, कैसा अच्छा लगा, कौन सा अच्छा है, सब कुछ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और दोस्तों आपको मेरा बैग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। जो भी लड़कियां देख रही होंगी तो बताना कैसा है ये बैग। ऐसे थोड़ा सा ओवर प्राइस लगा, क्योंकि लगभग 700 लग गया इस बैग का, बट काफी कूल है ये। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लेना। तो मिलती हूँ आपसे अगले प्यारे व्लॉग्स वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।